इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। भारत जैसे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फूलगोभी के बारे में ना जानता हो। ज़्यादातर सभी लोग फूलगोभी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा फैलावदार भारत जैसे देश में बहुत से लोग प्रतिदिन फूलगोभी का सेवन भी करते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसे में आज मैं आपको सभी को एक ऐसे गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस बीमारी में फूलगोभी कभी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो इसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह बीमारी कौन सी है जिस बीमारी में फूलगोभी कभी नहीं खानी चाहिए। नंबर एक, शुगर किडनी रोग, हृदय रोग। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिस गंभीर बीमारी में फूलगोभी कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हेल्थ स्पेशलिस्ट की माने तो इस बीमारी में फूलगोभी का सेवन करना जहर के समान होता है, और ऐसे में शरीर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि इस चीज़ से बचें। नंबर दो, फूलगोभी से फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। जो लोग चर्म रोग या फिर अपने शरीर के खून को साफ करना चाहते हैं, वह रोज़ाना फूलगोभी की सब्जी बनाकर सेवन ज़रूर करें। डॉक्टरों का भी मानना है कि खून को साफ करने के में फूलगोभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।